अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम यू व्लॉग्स। नवंबर की 6 तारीख हो चुकी है और गंदम की काश्त हर जगह शुरू है और अभी तक हमारी मकई की कटाई रह रही है और इधर कपास की चुनाई रह रही है। कपास की चुनाई अभी एक प्लाट हो गया है, दूसरा कल से इंशाल्लाह शुरू होगा और मकई जो है आज काफ़ी लोगों को कहा था कि काटने के लिए आ जाए लेकिन वो अभी तक कोई नहीं आया। कज़न मेरे आए थे, वो काट के नीचे पड़ी है, वो रख के चले गए हैं, कहीं काम चले गए होंगे, अभी वापस आने वाले हैं। तो इधर मकई काटने का तरीका ये होता है कि आप हमें जैसे ये है छली, ये हमें तोड़ के देंगे, साफ़ करके देंगे इसी तरह, और जहाँ हम कहेंगे वहाँ रख के जाएंगे, और ये घास आप अपने घर लेके जा सकती हैं जानवर को डालने के लिए। घर से दूर हो तो मकई का आम नुकसान भी बहुत ज़्यादा करती है, जैसे कि ये भी दो नीचे तोड़ के पड़ी थी, क्योंकि ये मकई जो है हमारी ये घर से थोड़ा दूर है, इस वजह से ज़मीन जो है। होगी कल तक इंशाल्लाह ख़त्म करवा देंगे, उसकी वजह यह है, वरना ख़त्म ये एक दिन में ही हो जाएगी। लेकिन वाले साहब ने जाना है एक शादी पे, दोस्त के बेटे की शादी है उधर वलीमे पे, इस वजह से 12-1 बजे तक बंद करवा देंगे, उसके बाद वो शादी पे चले जाएंगे। कल सुबह फिर आकर दोबारा ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर इसमें गंदम की काश शुरू हो जाएगी, जानवर भी नुकसान काफ़ी कर देते हैं, परिंदे जो होते हैं, जैसे कि ये देखें ये खाई हुई है, और इधर देखें हाफ दाने निकाल के खा जाते हैं, हाफ छोड़ देते हैं। ये देखें ये दो मेरे हाथ में ही हैं अभी तक, ये घर ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह तैयार हो गई है ये, इसे आज तुलवाई जाएगी और छील कर एक फैक्ट्री है साथ उधर खुश्क होने के लिए रख दी जाएगी, फिर निकलवा के इसे भेज दी जाएगी। इस दफ़े जो रेट है वो अच्छा खासा है, रेट जो है परसों एक बंदा बता रहा था 1300 रुपये और 1200, जो खुश्क है बिल्कुल उसका 1300-1350 है, और जो थोड़ी नरम है गीली है उसका रेट कम है। ये देखें ये कज़न आए थे तोड़ने के लिए, उन्होंने हाथ लगा दिया था इधर से जहाँ से हरी भरी थी, तो उस तरफ थोड़ी खुश्क है धूप की वजह से, यहाँ हरी भरी है, तो ये ले जाएंगे घर भैंस के लिए गाय के लिए, और इसे छीला जाएगा। शाम तक तक छिल लेंगे है ना। तू छिलवा छलिए चक के बाबा ना, पापड़ मन दे दे, चल वो तो बह जा, वो छिलवा पापड़ खा ला है, रोई ना। अच्छा लिया दिखा दो, बड़ी है ना जूंदे भी है ना। हाँ मैं छिल के रखी है, वो उधर पिछों ले आया पट के डिगिया पईया सी, कोई दाने तो निकलन गए ना, पता नहीं खर्चा नहीं करते तुसी, वड्डियां चक के छिलना, छोटियां छिल के दिखाई ना, छोटी वड्डियां है ही नहीं, मैं दस केड़ी वड्डी, तू वड्डियां तोड़ियां ही नहीं है, हां वड्डी है नहीं, वो परे पई ओ अर्शमान दे पैर दे नाल, तैनूं मैं आहा कोई किस्मत वाली आ, हां पई हां कोई किस्मत वाली वड्डी है, नहीं तो सारी ही छोटी है, हले आहा वड्डी है, हां आ वड्डी आ, देख निकली है कि नहीं, बाली वड्डी है, हां
अद्धा फुट तो है ना। हाँ 6 इंच की है। देर 6 इंच की नहीं 5 इंच की है दाने वाला। छोटिया रज गया पेपर।